हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? मूवी शूवीज तो बढ़िया रहते ही हैं। बाकी लोग जो चैनल पे नए आए हैं, आई एम श्योर वो भी बढ़िया हो जाएंगे हमारी पॉजिटिविटी देख के। फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलते हैं एक स्पैनिश सीरीज की तरफ, जिसका नाम है द गर्ल इन द मिरर। और इसके अंदर जो कुछ भी मैंने देखा, महसूस किया, मुझे थोड़ी सी ईरी फीलिंग आई। थोड़ा सा सुपर नेचुरल एट टाइम्स हो जाता है। मिस्ट्री भी ठीक ठाक है, लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ी स्लो है। 9 एपिसोड्स हैं और आपको लगभग लगभग 40 से 50 मिनट के बीच में आपको ये एपिसोड दिखेगा। तो कल शाम से मैं यही देख रहा था, धीरे धीरे करके ऑन ऑफ कर कर, बीच में फिर ट्रेलर ले रहा, ये सब चीज़ें आ रही थी, तो मैं आपके साथ वो भी रिव्यू शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, एक हाई स्कूल ट्रिप है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ लोग बस पे जा रहे होते हैं और कुछ ईरी होना शुरू हो जाता है। एक क्लाउडेड एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जब एक मेजर एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर एल्मा और उसके कुछ फ्रेंड्स लाइक टेल्मा, टॉम और भी बहुत सारे फ्रेंड्स एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बहुत से लोग, 18 लोग लगभग मर जाते हैं, और बाकी कुछ जो बच जाते हैं उनको कुछ ना कुछ ईरी फीलिंग होती रहती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास सच नहीं बोला जा रहा है, उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ उससे छुपाई जा रही है, उनको अपनी मेमोरी भी नहीं आती है। और फिर उनको जो एल्मा को स्पेसिफिकली जो कुछ भी आसपास दिखता है वो थोड़ा भूतिया जोन के अंदर चला जाता है, स्पेसिफिकली जो उसको मिरर के अंदर लड़की दिखती है। तो क्या ये उसका वहम है? उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था, किसी भूतिया इंसिडेंट या सुपर नेचुरल की वजह से हुआ था? कौन कौन मर गया, कौन कौन रह गया? इसकी मेमोरी अब धीरे धीरे कैसे वापस आएगी? उसके लिए उसके जो दोस्त हैं वो धीरे धीरे उसकी कैसी हेल्प करते हैं, और जो उसके दोस्त हैं उनके साथ भी पर्सनल लॉसेज जो हुए हैं, किसी की टांग कट गई है, किसी की आँख चली गई है, कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं जो आपको एक दिल दहलाने वाला एक मंजर देते हैं। अब इससे ऊपर उनको राइज करना है, और जब ये लोग इससे राइज करेंगे तभी कुछ इनके पास सोल्यूशन निकलेगा। क्या वो सोल्यूशन निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, या फिर कुछ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फाइंड आउट करते हैं, ये आप सीरीज़ के अंदर देखेंगे। जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया गया उसके ऊपर। कभी कभी हम ये कंप्लेंट करते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बट जितने भी लोग एल्मा के इन एंड अराउंड हैं सब पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया गया। तो आपका कोई भी ये कंप्लेंट नहीं रहेगा कि आप इस कैरेक्टर को नहीं जानते हैं। टू दी एक्सटेंट कभी कभी आपको डाउनसाइड भी लगेगी कि यार बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। और जो इंट्रीगनेस बनी हुई है पूरे एपिसोड के अंदर, स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 एपिसोड्स में, और फिर वो वापस और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, विच इज़ यार कुछ तो गड़बड़ है दया, वो आपको बिल्कुल एंड तक बनी रहती है, जो कि एक अच्छी बात है। बट ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फास्ट पेस सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। थोड़ी स्लो सीनिक टाइप की सीरीज़ है, आपको एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर माउंटेन्स के बीच में, वैलीज़ के बीच में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर वो एरिया इट्सेल्फ ही सस्पिशियस इतना ज़्यादा लगेगा, वुडन घर दिखेंगे, जिससे आपको एक कोई ना कोई ईरी फीलिंग बनी रहेगी। जो इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और लेकिन ये बहुत एक एक दो दो एपिसोड के बाद आते हैं, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, यही मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ। सुपर नेचुरल स्टफ भी अच्छा है, कुछ कल्ट स्टफ भी अच्छा है, और कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। ह्यूमन थोड़ा सा लालच का एक एंगल है, वो भी अच्छे से तरीके से दिखाया गया है। और फिर ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, उसका जो रिवील है वो भी थोड़ा सा मुझे तो सेटिस्फाइंग लगा, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है सबके लिए, इसलिए आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। तो इवेंचुअली क्या शी गेन्स हर मेमोरी बैक, और उसके लिए क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये आप सीरीज़ में फिगर आउट करते हो। मेरी समझ के हिसाब से इट इज़ अ गुड सीरीज, इट इज़ अ वेरी वेल मेड सीरीज, जहाँ पर पूरा नरेटर बताने के लिए पूरा टाइम दिया गया है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरीके की गहराई में जाने वाली सीरीज पसंद करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आपको स्लो बर्नर्स पसंद हैं तभी आप ये देखो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। बट अगर जिन्होंने देखने का सोचा तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होगा। बाकी हम मिलेंगे एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ जाते जाते, जो मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा। मेरे को पर्सनली ये काफ़ी अच्छी लगती हैं ऐसे स्लो बर्नर्स, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई रेट किया है, 8.5 out of 10। जो उसकी डाउन साइड है बस वो यही है कि जो बैक एंड फोर्थ काफ़ी ज़्यादा बार होता है, और थोड़ा सा बीच में जो स्लो डाउन होती है वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये अवॉइड किया जा सकता था, इट इज़ नॉट एडिंग टू मच टू द स्टोरी, बट अदरवाइज इट्स अ गुड वॉच। बाकी हम जल्दी मिलते हैं यार, बाय बाय, टेक केयर।